माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं और बहुत ज्यादा महत्व है नवरात्रों का, और इसी मौके पर हम आपको सीधा लिए चलते हैं माता वैष्णो देवी, जहां पर जसलीन कौर हमारे साथ मौजूद हैं और हमें दर्शन करवा रही हैं माता वैष्णो देवी के भवन के। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि माता वैष्णो देवी भवन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और जसलीन बताइएगा कितना श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आ रहा है, कितनी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे। बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि नवरात्रों के इस अवसर पर बात करें तो हमेशा ही जो है वैष्णो देवी में रश देखा जाता है, और आस्था की बात करें तो वो ठीक सामने इन तस्वीरों में भी प्रियंका हम देख सकते हैं किस तरह लोग जो है आस्था लेकर जो है माता के दरबार में आते हैं, और यहाँ पर काफी ज्यादा रश जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और अगर आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं जो लोग ऊपर भैरव घाटी के लिए भी जा रहे हैं, काफी लंबी लाइन जो है लोगों को यहाँ पर लगी हुई है। और इनफैक्ट अगर दर्शन करने की भी बात करें तो लगभग 6-6 घंटे जो है लोगों को अपना इंतजार करना पड़ रहा है अपनी टर्न का। साफ तौर पर जो है इन नवरात्रों में जो है इस वक्त माता के दरबार में काफी ज्यादा रश जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, और लोगों की अगर श्रद्धा की भी बात करें तो वो भी साफ तौर पर जो है नजर आ रही है। और इस वक्त ये साफ दृश्य जो है लोग जो ये लाइन में खड़े हैं, मैं आपको बता दूं कि भैरव घाटी के लिए जो है केबल कार जो है ऊपर की तो जो है नया शुरू की गई थी, तो ये तमाम लोग जो है अपना इंतजार कर रहे हैं और काफी ज्यादा लंबी लाइन जो है देखी जा रही है, और ठीक सामने आप भवन के जो है वो भी दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि नवरात्रों में जो भी माता रानी के दर्शन करता है बहुत खुश नसीब होता है, और बहुत माता रानी के बहुत करीब होते हैं वो बच्चे जिन्हें इन नवरात्रों में बुलावा आता है। तो खैर, कोविड में हमने देखा कि बहुत बार यात्रा को रद्द भी कर दिया गया, और अब जबकि बहुत सारी संख्या में लोग वहां मौजूद हैं, क्या आपको लग रहा है कि कोविड एसओपीज का भी पालन हो पा रहा है? बिल्कुल प्रियंका, की जैसी हम बात करें कि भवन की ओर जाना है उससे पहले ही नीचे अगर हम एंट्री पॉइंट्स की बात करें तो वहां पर आपकी कोविड की रिपोर्ट जो है वो देखी जाती है। अगर जो है टोटली कोई वैक्सीनेटेड है तो उसकी वो जो सर्टिफिकेट है वैक्सीन का वो जो है बताना पड़ता है, और उसके बाद जो है आपको आगे जाने की अनुमति जो दी जाती है। इनफैक्ट अगर आप बाय हेलीपैड या बाय हेलीकॉप्टर से भी आते हैं तो तभी आपको एंट्री पॉइंट्स पे जो है अपने सर्टिफिकेट दिखाने हैं, और उसके बाद ही जो है आपको आगे जाने की अनुमति जो है वो साफ तौर पर दी जाती है। और हालांकि जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो मास्क भी जो है वो भी साफ तौर पर पहनने को जो है कहा जाता है, और आप ये साफ तौर पर केबल कार देख सकते हैं जो यहाँ से ऊपर भैरव घाटी की ओर जो है अब ये सुविधा जो है तमाम श्रद्धालुओं को दी गई है। और महज जो है अगर बात करें तो 100 रुपए की ही टिकट है, और काफी ज्यादा रश जो है वो देखा जा रहा है, और यहाँ से श्रद्धालु जो है ऊपर भैरव घाटी के लिए जो है ऊपर जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से जसलीन ने बताया, सिर्फ 100 रुपए की टिकट आप लें और आप भैरव घाटी जा सकते हैं। भवन से भैरव घाटी काफी चढ़ाई भी है, तो लोगों के लिए बहुत सहूलियत की गई है, ये जो केबल कार का इंतजाम किया गया है। और चॉपर के बारे में भी बताइएगा जसलीन, चॉपर की सर्विसेज फिलहाल वहां पर है या नहीं, और अगर है तो कहाँ तक चॉपर सर्विस दी जाती है, और उसके बाद कितना आपको पैदल जाना पड़ता है? बिल्कुल प्रियंका, अगर हेलीकॉप्टर की सर्विसेज की बात करें तो वो भी चल रही हैं, आप इनफैक्ट ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, या फिर वहां पर सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक जो है वहां पर काउंटर्स मौजूद हैं, आप वहां पर जाकर जो है टिकट्स ले सकते हैं, और उसके बाद कोविड की अपनी रिपोर्ट जो है वो आपको दिखानी है, और फिर उसके बाद जो है वहां से आपको अर्धकुंवारी तक जो है ये हेलीकॉप्टर जो है उसके बाद जो है आपको फिर से जो है थोड़ा पैदल सफर जो है वो करना पड़ता है, और उसके बाद जो है आप माता के दरबार में पहुंच के जो है दर्शन जो है वो साफ तौर पर आप कर सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया जसलीन माता वैष्णो देवी से लाइव दर्शन करवाने के लिए भवन के, और भैरव घाटी में किस तरह से सहूलियत दी गई है, श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें आप देख पा रहे हैं। नवरात्रों में बहुत महत्व होता है माता रानी के दर्शन करने का, और जसलीन ने हमें दिखाया कि कितने सारे श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए भवन पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। जय माता, और आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं।